हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और एकदम अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बच्चे अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग बच्चे लास्ट वाले लेक्चर के अंदर राउल्ट्स का लॉ पढ़े होंगे, राउल्ट्स का नियम क्या होता है, ठीक है। उसके अंदर बच्चे हम लोगों ने बच्चे क्या किया हुआ था, दो कैटेगरीज बांटी हुए थे, दो कैटेगरीज भैया मतलब स्थिति के अनुसार हम लोग दो जो है बात किए थे। केस वन के अंदर भैया अपन ने जो है एक जो फॉर्मूला निकाला था, जिसके आपने जो है पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, मैंने उसको कराया हुआ है। साथ ही साथ बच्चे वहां पे मैंने आपको ग्राफ भी प्लॉट करके बताया कि ग्राफ एक्चुअल में भैया कैसे बनता है राउल्ट्स लॉ के, ठीक है। केस वन की अगर मैं बात करूं वो बहुत अच्छे से खत्म कर चुके हैं, फोड़ चुके हैं बच्चे। और उसकी बात अगर मैं बात करूं तो केस टू, ठीक है, दूसरी स्थिति की बात करूं तो वो भी दूसरी स्थिति आपके लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। वो लेक्चर भैया जो लेक्चर नंबर 4 है वो बच्चे वो यहां से आप लोग कवर अप कर सकते हो। लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 से बच्चे आप लोग पूरा का पूरा राउल्ट्स लॉ आप लोग पढ़ सकते हो। और राउल्ट्स लॉ ही बच्चे आपको जो है 3 नंबर देने की शक्ति रखता है, 3 मार्क देने की ही शक्ति रखता है पूरा का पूरा राउल्ट्स लॉ। अगर ये पढ़ लिए बच्चे तो आपको 3 नंबर इजीली मिल पाएगा, ठीक है बच्चे। सारे बच्चों को क्लियर है। अब इसके अंदर मैं जो आपको स्टार्ट टॉपिक तो बताया हुआ था राउल्ट्स लॉ के, साथ ही साथ क्वथनांक में, उन्नयन और हिमांक में अवनमन बच्चे, ठीक है। ये जो लेक्चर होगा बेटा हम लोग पराशरण दाब करने वाले हैं। क्या बच्चे? पराशरण दाब करने वाले हैं, क्योंकि ये पराशरण आप पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद बच्चे हम जो है क्वथनांक में, उन्नयन और हिमांक में अवनमन के ऊपर जा रहे होंगे। उसके बाद बच्चे हम लोग आदर्श विलयन, अनादर्श विलियन, हेनरी का नियम और स्थिर क्वाथी, स्थिरांक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, मिश्रण के ऊपर हम बात करेंगे। सारे बच्चों के लिए तो ये पूरा का पूरा तो लेक्चर है बच्चे, हम लोग जो है पराशरण दाब के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सारे बच्चों को क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, फटाफट बढ़ते हैं। या ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले, पराशरण दाब पढ़ने से पहले बच्चे हमको कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी सीखना होगा वहां पे कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। सारे बच्चों को क्लियर है? अब देखो बच्चे यहां पे अपन बात करते हैं विसरण के बारे में बात करते हैं। ये विसरण जो है ना सर, जो विसरण है, पराशरण है, ये जो वर्ड है बच्चे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, मतलब 9th क्लास में होंगे, जब 10th क्लास में होंगे बच्चे तो वहां पे ये जो विसरण है, पराशरण है, ये जो वर्ड है बच्चे आप लोगों इसको सुना सुना सा लग रहा होगा। भैया सुना सुना तो लग रहा है सर, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा बच्चे, समझिए, ध्यान से समझिए, मैं समझा रहा हूं बच्चे, ध्यान से देखना। अगर भैया आपको जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन दिया, कोई भी सॉल्यूशन है क्या बच्चे, अगर मैं डेफिनेशन की, पहले डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन में कैसे लिखा जाता है, ध्यान सुनना बच्चा, ज्यादा सांद्र विलयन से, क्या बोलेगा, ज्यादा सांद्र विलयन से काम जो कम सांद्र विलयन की ओर होने वाले विलय के अणुओं के स्वतः स्वतः बेटा स्वतः प्रवाह की घटना को ही हम क्या बोलेंगे, विसरण बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले बच्चे? विसरण बोलने वाले हैं। मतलब सिंपल सी बात है बच्चे, क्या होता है जब एक हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला, अधिक सांद्रता वाला जो हमारा विलयन होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होता है बेटा, उसका जो प्रवाह होता है उसी प्रवाह को ही हम लोग बोलेंगे विसरण। क्या बोलेंगे बच्चे? विसरण बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, विलय के जो अणु होते हैं वो स्वतः प्रवाह करते हैं, जिससे पूरे विलयन का सांद्रता एक समान हो जाती है, इसी को हम लोग बोलेंगे बच्चे विसरण बोलने वाले हैं, विसरण बोलने वाले हैं। सारे बच्चों को क्लियर हुआ? एकदम समझ आया? ठीक है, ठीक है। अब देखो विसरण में क्या होता है, कम सांद्र से जो है क्या होता है बेटा, कम सांद्र की ओर जा रहा था, ज्यादा से कम की ओर जा रहा था। लेकिन पराशरण में क्या होता है, इसमें शुद्ध विलायक लिया जाता है। क्या बच्चे? यहां पे शुद्ध विलायक कहीं पे बात नहीं की गई है, इसके अंदर शुद्ध विलायक की बात की ही नहीं है, ध्यान सुनना बच्चे। यहां पे क्या बात है, विसरण के अंदर शुद्ध विलायक, यहां पे प्योर जैसे वर्ड कहीं यूज नहीं किया गया है, शुद्ध जैसे वर्ड कहीं पे यूज नहीं किया गया है, ठीक है, विसरण के केस में। लेकिन पराशरण के केस में क्या बोलेगा, शुद्ध विलायक या फिर तनु विलयन से, क्या बात कर रहे हैं, शुद्ध विलायक या फिर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, किसके द्वारा भैया, अर्ध पारगम में झिल्ली के द्वारा, अर्ध पारगम में झिल्ली के द्वारा से क्या होता है बेटा, विलायक के अणु जो होते हैं स्वतः प्रवाह करते हैं, इसी को हम लोग पराशरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? पराशरण बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। अगर जिन बच्चों को समझने एकदम मक्खन करोगे बच्चे, ध्यान से देखना, पराशरण यहां पर समझते हैं, ठीक है, पराशरण समझते हैं। देखो बच्चे हमारे पास क्या होता है भैया, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक कंटेनर होगा यार, क्या होगा, एक कंटेनर। इस कंटेनर को फिल कर दें भैया, ये देखो अपने पास एक कंटेनर, ठीक है, ये कंटेनर अपन यहां पे रख लिए, इसका कलर चेंज कर लेते फटाफट, देखो भैया ये कलर चेंज कर दिए। अब भैया हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर मैं क्या कर दूं, मैं भैया एक अर्ध पारगम में झिल्ली लगा देता हूं, अर्ध पारगम में झिल्ली, अर्ध पारगम में झिल्ली इस तरीके से लगा दिया भैया, ठीक है, अर्ध पारगम में झिल्ली। अब अर्ध पारगम में झिल्ली में जब लगाया, ठीक है, अर्ध पारगम में झिल्ली में जब लगाया, तो अर्ध पारगम में झिल्ली के झिल्ली जो है, कई बच्चे यहां पे समझ नहीं पा रहे होंगे कि अर्ध पारगम में झिल्ली आखिर होता क्या है सर, तो ध्यान सुनना बच्चे, मैं इसका भी मीनिंग आपको बता देता हूं कि अर्ध पारगम में झिल्ली क्या होता है। अर्ध पारगम में झिल्ली को हम लोग इंग्लिश में बच्चे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बच्चे? सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, ठीक है, मेम्ब्रेन, क्या बच्चे? मेम्ब्रेन बोलते हैं,
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। अब बच्चे देखो सेमी का मतलब होता है सेमी मतलब आधा, क्या बेटा आधा, आधा की बात हो रही है, आधा कुछ कुछ चीजों को वो क्या करेगा परमिएबल मतलब परमिट करेगा, बच्चे क्या करेगा परमिट जाने देगा, कुछ कुछ ऐसे जो एलिमेंट होते हैं सब्सटेंस होते हैं जिनसे क्या करते हैं जाने देता है, मेम्ब्रेन की बात कर रहा जाने देता है, ठीक है। उसी प्रकार हम इसको अच्छे से और अच्छे डिफाइन करना चाहे तो ध्यान सुनना बच्चे, आपको एक बेहतरीन सा एग्जांपल देता हूं बच्चे। आप लोगों ने घर में देखा होगा जब मम्मी चाय बनाती है, क्या बनाती है बच्चे, मम्मी जब चाय बनाती है तो उसमें क्या होता है, उसमें हम क्या डालते हैं बेटा विलियन डालते हैं, क्या हमारा जो चाय होता है एक हम बात करें ठीक है, तो हमारा जो चाय की अगर मैं बात करूं तो हमारा चाय क्या होता है एक विलियन ही है ना भैया, क्या है विलियन है, हमारा चाय क्या है एक विलियन है, सॉल्यूशन ही है ठीक है, विलियन है। अब विलियन के अंदर कैसे से कौन कौन से हमारे कंपोनेंट्स आते हैं बच्चे, ठीक है, विलियन के अंदर हमारे ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं जो फर्स्ट वाले लेक्चर के अंदर मैंने जो आपको बताया भी हुआ है ठीक है। विलियन के अंदर क्या होता है सर, विलियन के अंदर ना बेटा क्या होता है, एक होता है विलेय, क्या होता है बच्चे एक विलेय होता है, और दूसरी जो चीज होती है वो बेटा वो क्या होता है विलायक होता है। ये जो एग्जांपल इसको ध्यान से सुनना बच्चे, इसमें मैं फोकस कर रहा हूं, इसी एग्जांपल से आप लोग परासरण दाब इजी सीख जाओगे ठीक है, एकदम कंसेप्ट है एकदम जो है रिलेट करना, ध्यान से सुनना बच्चे ठीक है। विलियन की अगर मैं बात किया तो विलेय क्या होगा, विलेय और विलायक से मिलकर मेरे को विलियन मिला, क्लियर है सारे बच्चों को। अब विलेय में क्या होता है सर, अगर मेरे को चाय बनानी तो मैं विलेय क्या ले सकता हूं, ठीक है विलेय क्या ले पाऊंगा, विलेय मैं लूंगा भैया, विलेय यहां पे मैं लूंगा शुगर, क्या लूंगा बच्चे शुगर, जो मेरी शक्कर होती है वो मेरे जो विलेय होगी क्योंकि मैं डाल रहा हूं ठीक है, क्योंकि डाल रहा हूं, मेरी जो चाय पत्ती जो होती है, क्या बच्चे चाय जो पत्ती होती है ठीक है, मेरी जो चाय पत्ती है वो मेरे क्या होगा यहाँ पे विलेय होगा, क्लियर सारे बच्चों को। मेरा विलायक क्या होने वाला है यहाँ पे, ठीक है मेरा विलायक यहाँ पे क्या होने वाला है, तो विलायक बच्चे यहाँ पे मेरा पानी होने वाला है, वाटर, वाटर क्या होगा बच्चे विलायक होगा। और यहाँ पे अपन ने बच्चे क्या हुआ था कि भैया जब अपन ने कंसेप्ट समझा था फर्स्ट लेक्चर जब की थी, वहां फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने ये भी बताया हुआ है कि जो विलेय होता है इसकी जो क्वांटिटी बच्चे, इसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है, क्या होती है बच्चे बहुत कम होती है, मैं बोल रहा हूँ लेस क्वांटिटी होगी, क्या होती है इसकी जो क्वांटिटी मात्रा जो होती है कम होती है, लेकिन मात्रा तो कम होती ही होती है लेकिन ये साइज में क्वांटिटी बच्चे, क्वांटिटी और साइज में डिफरेंस है भैया ठीक है, कोई बच्चा इसको एक नहीं समझेगा, क्वांटिटी अलग चीज होती है, मात्रा बताता है भैया, साइज जो है आकार के बारे में बताता है। अगर भैया मैं आपको चाय बनाने की तरकीब के बारे में बताऊं तो शुगर की मात्रा जो है कम डालते हैं अपन, बहुत भर भर के तो नहीं डालते हैं, हम कम ही डालते हैं, लेकिन इसकी जो साइज होती है पानी की तुलना में क्या होता है बड़ा होता है। मैं यहां पर साइज की बात करूं तो यहां पर क्या होगा भैया बिग साइज होगा ठीक है, बड़ा होगा ठीक है सारे बच्चों को क्लियर। अब विलायक की अगर मैं बात करूं पानी के, इसका जो साइज होगा ठीक है, इसका जो साइज होगा बेटा वो क्या होगा स्मॉल होगा, किसके कंपैरिजन में सॉल्यूट के कंपैरिजन में, सॉल्यूट के कंपैरिजन में जो सॉल्वेंट होता है उसका जो साइज होता है वो क्या होता है बेटा स्मॉल होता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी बच्चे, लेकिन इसकी क्वांटिटी की मैं बात करूं तो क्वांटिटी क्या होती है भैया, क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, क्या होती है यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी होती है, यहाँ पे क्या होती है बेटा लार्ज क्वांटिटी होती है। सारे कंसेप्ट मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर खत्म किया हुआ है, बहुत गजब तरीके से पढ़े हुए हैं इसको ठीक है, इसलिए मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इस जो पूरा कंसेप्ट है वापस से अभी रियूज होने वाला है, बहुत तरीके से बताऊंगा, एकदम गजब मजा आएगा बच्चे, ध्यान सुनना बस, पढ़ते रहना ध्यान से ठीक है। देखो भैया अपन यहाँ पे विलेय लिए, विलायक लिए, हमको मेरा विलियन मिल गया। अब यहाँ पे मैं चाय पत्ती की बात कर दूं ठीक है, अब पूरा चाय बना अपना, क्या बना पूरा चाय बना। अब जब मैं चाय पत्ती की बात किया, जब देखो भैया चाय जब बनता है तो वो चाय पत्ती को अपन छन्नी से छानते हैं, किसे छानते हैं छन्नी से छानते हैं, उसी छन्नी की मैं बात कर रहा हूं, उसी छन्नी को ही हम क्या बोलेंगे बेटा, उसी छन्नी को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी छन्नी को बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर आपको कभी भी बुक के अंदर SPM भी लिखा हो तो आपको समझ जाना कि वो अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम SPM बोलते हैं, क्लियर सारे बच्चों को SPM बोलते हैं। ये देखो सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई ठीक है। अब देखो अर्ध पारगम्य झिल्ली, मैं इसको यहाँ पे बात करूं तो क्या होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जो विलायक के अणुओं को जो है अपने ओर अपने में से जाने देती है, उसी को हम लोग अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलते हैं, क्लियर सारे बच्चों को। अगर डेफिनेशन लिखना हो तो वापस से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अर्ध पारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जो विलायक के अणुओं को या फिर कणों को अपने में से जाने देती है, क्लियर। अब किसको रोक देती है, विलेय के कणों को रोक देती है। एग्जाम्पल फॉर बताता हूं, चाय जब बनाते हो तो चाय हमारा एक विलायक क्या है, इसमें पानी जो है विलायक है, जब हम चाय को छानते हैं तो चाय नीचे गिरती है, मतलब क्या पानी की तरह ही होती है, लेकिन हम जो विलेय डाले रहते हैं, जो चाय पत्ती डाले रहते हैं, वो तो भैया उस छन्नी में छन जाता है, उस छन्नी के अंदर छन जाता है ना, अलग हो जाता है, तो उसी को बोलेंगे जो छना हुआ है बेटा ठीक है, जिसको जाने दिया है वो क्या हमारा विलायक ही है। तो मैं बोल दूंगा भैया जो विलायक है उसको क्या करता है अर्ध पारगम्य झिल्ली इजिली जाने देता है,
क्लियर सारे बच्चों को, सारे कंसेप्ट एकदम गजब तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा बच्चे हम लोग जो है पराशरण धाप के अंदर आते हैं। भैया पराशरण धाप तो समझ आ रहा है मेरे को, ठीक है, ये बस सारी बातें तो क्लियर है, लेकिन भैया मेरे को आप पराशरण के बारे में नहीं बताया, आखिर पराशरण क्या है? विसरण तो बता दिया मेरे को, लेकिन आखिर पराशरण क्या है? पराशरण क्या होता है बच्चे? जहां पे शुद्ध विलायक होता है, क्या होता है? शुद्ध विलायक, या फिर तनु विलयन बोल सकते हैं अपन, ठीक है, तनु विलयन भी बोल सकते हैं, जहां पे शुद्ध विलायक की कम कॉन्सेंट्रेशन है बच्चे, ठीक है, सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, मतलब भैया एक क्या होता है हमारे पास, एक हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है, एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, उच्च जो है हमारे क्या होते हैं बेटा सांद्रता वाले जो विलयन होते हैं, और कम सांद्रता वाले विलयन होते हैं वो हमारे जो, ठीक है। अब देखो जब कम सांद्रता वाले, सॉरी उच्च सांद्रता वाले विलयन से हमारे जो अणु होते हैं, जो विलायक के कण होते हैं, वो कम सांद्रता वाले विलयन की ओर आना स्टार्ट हो जाते हैं, किसके जरिए? अर्धपारगम्य झिल्ली के जरिए। तो उसी को बोलेंगे बच्चे हम लोग क्या बोल देंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। पराशरण को बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस बोलते हैं इसी को, पराशरण को हम लोग इंग्लिश में ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब यहां पे हम लोग दो टर्म सीख चुके हैं, दो टर्म हम यहां पे सीख चुके हैं। सबसे पहले बेटा विसरण सीखे, ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज बच्चे यहां पे हम लोग पराशरण सीखे, ठीक है, पराशरण ऑस्मोसिस सीखे, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज बच्चे हम लोग यहां पे हमने क्या सीखे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सीखा। ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली बोलेंगे, ठीक है, इसी को अर्धपारगम्य झिल्ली बोलेंगे, ठीक है बच्चे, क्लियर सारे बच्चों को समझ में आया होगा एकदम अच्छे तरीके से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। हम लोग यहाँ पे दो चीजें सीख चुके हैं, तीन चीजें सीख चुके हैं, लेकिन हमको पराशरण धाप के बारे में अभी तक नहीं पता चला, ठीक है, अब तो पता चलेगा एक्चुअली पराशरण धाप कैसे बनता है। देखो बच्चे, ये जो रेड कलर का आप लोग दिख रहा है, ये सपोज करो भैया, ये मान लो कि ये हमारा जो है क्या है, एसपीएम है, क्या बच्चे? एसपीएम, मैं एसपीएम का मतलब बता चुका हूं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, तो मैं इस साइड पे, ठीक है, इस साइड पे बच्चे ध्यान सुनना, ठीक है, इस वाले साइड पे, ठीक है, इस वाले साइड पे मैं क्या कर दिया? वाटर डाल दिया। इधर मैं जो है इस वाले साइड पे वाटर डाल दिया, इस तरीके से, क्या डाल दिया? इस तरीके से मैं वाटर डाल दिया, देखो भैया वाटर, ये लो, ठीक है, वो भी वाटर कैसे वाला है? ये जो पानी है वो भी कैसे बच्चा? ये जो पानी डाले ना अपन, ये जो पानी जो है ये प्योर वाटर है, क्या? प्योर, एकदम शुद्ध शुद्ध पानी है, प्योर पानी है भैया, ठीक है, शुद्ध पानी है, इसमें कोई भी किसी भी तरीके से मिलावट नहीं है, क्लियर सारे बच्चों को? यहां पे मैं प्योर वाटर इस तरीके से यहां पे डाल दिया, ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर है। अब देखो ये जो इस साइड में मैंने प्योर वाटर डाला, अब यहां पे वाटर की क्वांटिटी, मतलब यहां पे भैया कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? यहां पे कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता कितनी होने वाली? सांद्रता यहां पे क्या होने वाली बच्चे? उच्च होने वाली या फिर कम होने वाली? यहां पे सभी बच्चों को क्लियर होगा, यहां पे वाटर है तो पानी है, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बच्चे? हाई होने वाली है। सांद्रता कितने वाली होने वाली है? उच्च सांद्रता होने वाली है, क्लियर सारे बच्चों को? सांद्रता उच्च होने वाली है, हाई होने वाली है, क्लियर, एकदम अच्छे तरीके से। अब देखो इस साइड जो होगा अर्धपारगम्य झिल्ली के इस साइड में मैं डाल दिया, वो क्या डाला? सी वाटर डाला, ठीक है, सी वाटर, समुद्र का पानी डाल दिया। अब जब मैं समुद्र का जब पानी डाला बेटा, सागर का पानी डाला इस तरीके से, सपोज करो भैया इसको दूसरा कलर लेते हैं, मजा आएगा। अब देखो चलो, ठीक है, ये जो है बेटा, ये वाला जो है ना, ये क्या है? समुद्र का पानी है, सागर, ठीक है, सागर का पानी, सागर का पानी अपन को पता है बेटा, ठीक है, कैसे होता है? समुद्र का पानी खारा होता है सर, बिल्कुल, जिसको हम लोग पी नहीं सकते, ठीक है, अब पी नहीं सकते, यही थिंक आपको रिलेट करके जाना है बच्चे, ठीक है, जिस समुद्र का पानी अपन पी नहीं सकते, क्लियर सारे बच्चों को? अब सपोज करो कि ये वाला जो साइड है मेरा क्या है बेटा, जिसमें NaCl घुला होता है, जिसमें क्या होता है बेटा? नमक रहता है, नमक प्लस वाटर होता है, नमक प्लस पानी, ठीक है, अब नमक प्लस पानी रहता है, जिसको अपन जो है शॉर्ट फॉर्म में बोल दें भैया ये सी वाटर बोलूंगा, समुद्र का पानी बोलूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे बच्चों को एकदम अच्छे तरीके से जो है समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब इमेजिन करो भैया कि यहां पे जो NaCl है, NaCl तो पानी में घुला हुआ है, NaCl पानी में, NaCl पानी में घुला हुआ है, तो मेरा NaCl क्या होगा? विलेय होगा। NaCl क्या होगा बच्चा? विलेय होगा कि नहीं होगा? विलेय होगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल विलेय होगा। तो मैं क्या बोल दूं, क्या मैं ये बोल दूं कि भैया ये जो साइड पे है, इस साइड पे नमक जो है घुला हुआ है पानी में, तो मैं ऐसा बोल दूं तो सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ये जो सर्कल बना रहा हूं ये नमक के पार्टिकल्स है, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये जो है ना सर, ये ना बच्चे, ठीक है, ये इस साइड में जो दिख रहा है आपको, ये जो साइड है इस पे जो है सॉल्यूशन होने वाला है, क्या होने वाला है? सॉल्यूशन, विलयन होने वाला, तो फिर भी सारे बच्चे समझ पाएंगे क्योंकि हमारे विलेय और विलायक से मिलकर ही विलयन बनता है, तो मैं क्या बोल दूं पूरा इस पोर्शन में, ये जो पोर्शन है पूरा विलयन वाला पोर्शन है, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है पूरा प्योर पानी, जिसको अपन पीते हैं, जिसको अपन पीते हैं प्योर पानी है,
क्लियर सारे बच्चों को। अब इमेजिन करो भैया कि हमारे पास जब मैं यहां पे रखा तो इस सिचुएशन के अंदर हमको क्या पता चलता है, इसका जो प्योर पानी का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा बनता है किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। प्योर प्रेशर का वेपर प्रेशर जो वाष्प दाब होता है बेटा वो ज्यादा बनता है, इसका वाष्प दाब क्या होगा बच्चे, कम बनेगा। ये तो क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है, एकदम क्लियर है सारे बच्चों को, हम लास्ट लेक्चर में पढ़े भी हुए हैं कैसे बनता है क्या होता है सारी चीजें, ठीक है। अब देखो इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो मेरे को क्या होगा, जब मैं देखूंगा बच्चे इस तरीके जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बीच में दो हमारे अलग अलग पार्टिकल किए पार्ट्स किए तो हमको क्या मिला, इस साइड के जो पानी है जो प्योर पानी है, क्या बच्चे, जो प्योर पानी है, ठीक है, जो प्योर वाटर है, वो वाटर क्या होंगे इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है अभी पढ़ा है परासरण क्या होता है, जो उच्च सांद्रता से लोअर सांद्रता की ओर, ठीक है, कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह करता है किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू प्रवाह करेगा, उसी को हम लोग परासरण करेंगे। तो बच्चे मैं बोल दूं यहां पे बच्चे परासरण की क्रिया स्वतः होने लगती है, इस तरीके से परासरण की क्रिया स्वतः होने लगती है। क्लियर सारे बच्चों को, परासरण की क्रिया हो रही है बच्चे। अब परासरण की क्रिया होगी तो आप लोग रिलेट कर पाओगे, एकदम जो कंसेप्ट समझ पाओगे। सपोज भैया आपके पास पीने का पानी लिमिटेड है, इतना ही पानी आपके पास रखा हुआ है और हमारे पास जो है समुद्र का पानी है, तो आप सपोज करो कि यहां पे जो हमारे पीने लायक जो पानी है वो अपने आप इधर जो है समुद्र के पानी की ओर जा रहा है, तो हम पिएंगे क्या, हमारे लिए तो परेशानी होगी, हम पिएंगे क्या, हमारे लिए परेशानी होगी। तो उसी परेशानी को भैया सॉल्व करते हुए अपन क्या करेंगे, इस जो प्रोसेस है, अब ये प्रोसेस तो कोई किसी पे जो है डिपेंडेंट नहीं है, अपने आप हो रहा है, क्या कर रहा है, अपने आप हो रहा है, स्वतः पर जो है प्रवाह कर रहा है। अब इस प्रोसेस को अपन को रोकना है क्योंकि हमको पानी बचाना है, यहां से क्या बना बच्चे, अपन को पानी बचाना है, ठीक है। तो इस प्रवाह को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर प्रेशर लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, प्रेशर लगाएंगे। इस प्रवाह को रोकने के लिए अपन क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। सपोज करना बच्चा, ठीक है, देखो भाई तो ध्यान समझना, मजा आएगा, ठीक है, अब देखना, बहुत कंसेप्चुअल बेटा, बहुत कंसेप्ट मांगेगा ये, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये देखो अपन जब क्या कर दें, ये जो है यहां पे अपन प्रेशर लगाया, ठीक है, अब यहां से जब प्रेशर लगाया, ठीक है, अब ये अपन जहां यहां से प्रेशर लगा दिया, देखो इसको फील कर देते हैं फटाफट, तो मजा आएगा, ठीक है, इसको फील कर देते हैं, ये देखो बच्चा, ठीक है, ठीक है। अब बच्चे ध्यान से देखना, मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाया और प्रेशर बच्चे मैंने P1 नाम दे दिया, P1 मैंने प्रेशर लगा दिया, P1 प्रेशर लगाया, तो इसको प्रेशर लगाने पर, प्रेशर तो भैया नीचे में लगेगा ना, इस तरीके से जब प्रेशर लगाया तो ये जो प्रोसेस हो रहा था परासरण का, जो स्वतः प्रक्रम हो रहा था, पानी का जो ट्रांसफर हो रहा था एक, तो यहां पर जब प्रेशर लगाने पर यह जो प्रोसेस हो रहा था, यह जो ऑस्मोसिस प्रोसेस, वो रुक जाएगा, क्या करेगा बेटा, रुक जाएगा, और इसी को जो हम बोलेंगे परासरण दाब। इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है, जो बाह दाब लगाया जाता है, उसी को हम लोग परासरण दाब बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, परासरण दाब बोलेंगे। सारे बच्चे को यहां पे क्लियर हुई, अगर डेफिनेशन के फॉर्मेट में मैं लिख दूंगा, सर बिल्कुल बच्चे आप लिख सकते हो, ऑस्मोटिक प्रोसेस कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे। देखना परासरण दाब जो है वह दाब होता है जो किसी विलयन को, ठीक है, किसी विलयन पर, किसी विलयन पर बाहर से अनुप्रयुक्त, क्या बच्चे, अनुप्रयुक्त करने पर विलय के उस परासरण को रोकती है, जो विलयन को उसके विलायक में अर्धपारगम्य में झिल्ली के द्वारा पृथक करने पर विलयन की ओर होता है। इतना बड़े का आपको कुछ दिक्कत नहीं है बच्चे, मैं आपको एकदम इजी वाला बताता हूं, आपको मजा आएगा, ध्यान सुनना बच्चा, ठीक है। क्या होता है परासरण दाब, क्या होता है भैया, एक विलयन में होता है जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो परासरण की क्रिया होती है, उस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो बाह्य बल लगाया जाता है, उसी को हम लोग बोलेंगे बच्चे परासरण दाब। क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब बोलने वाले हैं। क्लियर सारे बच्चों को, परासरण दाब। अब ये तो समझ आया सर, अपन को जो है ये परासरण दाब रोक दिया, परासरण दाब समझ आया, लेकिन इसके आगे का कांसेप्ट आपको मैं एकदम फील कराता हूं, मजा आएगा, ध्यान सुनना बच्चे। अब देखो यहां से जब परासरण क्रिया हुआ तो इसका जो लेवल था, ठीक है, इस पानी का जो लेवल था, ठीक है, इस पानी का जो लेवल था, अब देखो इस पानी का जो लेवल था, ये पानी का लेवल तो भैया कम हो जाएगा, जब पानी जो है यहां से निकल जाएगी तो ये पानी का लेवल तो कम होगा, तो इस तरीके से ये पानी का लेवल यहां पे कम हो गया, और यहां पे पानी का लेवल जो बच्चे, यहां पे पानी का लेवल बढ़ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि पानी यहां पे शिफ्ट हो गई है। अब जब इसके पानी का लेवल कम हुआ तो इसको जो हमको फिर से कन्वर्ट करनी है, ठीक है, हमको पानी जो है कम, थोड़ी सी हमको पानी की बहुत जरूरत है, ठीक है, हमको वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि हम उसका यूज बहुत करते हैं। क्लियर सारे बच्चों को, तो अपन को पानी की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को रिवर्स करेंगे, क्या कर दूंगा, ये जो प्रोसेस है बेटा, ये जो प्रोसेस है, इसको मैं रिवर्स करूंगा इस तरीके से। अब इस तरीके से जब मैं रिवर्स करूंगा तो ये अपने आप तो रिवर्स नहीं हो जाएगा भैया, ठीक है, जैसे अपने आप ये इसमें आ जा रहा था, सॉल्यूशन की ओर आ जा रहा था, ये तो प्रोसेस नहीं होगा अपने आप। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। सपोज करो आप एक डब्बे में ऐसा कुछ रखे हो, ठीक है, आपने हाइड्रोलिक प्रेशर देखा होगा, उसके अंदर कुछ भी आता है भैया सब चिपट जाता है, सब निपट जाता है, ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा भैया, अगर मैं यहां पे प्रेशर लगा दूं इस तरीके से, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे प्रेशर लगाऊं इस तरीके से,
ठीक है बेटा, अगर मैं लगाऊं यहां पे प्रेशर, प्रेशर लगाऊं, मैं यहां पे प्रेशर लगाऊं पी, ठीक है। अब यहां पे मैं प्रेशर जब लगाऊंगा तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जब जाएंगे ऐसे, ठीक है, सिमटते जाएंगे ऐसे, जो है पिचकते जाएंगे। जब मैं यहां पे प्रेशर लगाऊंगा क्या होगा बेटा, प्रेशर लगाऊंगा, दाब लगाऊंगा, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे पिचकते जाएंगे और वो क्या होगा, प्रेशर के कारण इसमें जो अणु रहेंगे, वाटर के जो अणु रहेंगे बेटा, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, पानी जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, ठीक है, वापस जो है इस कंटेनर के अंदर आना स्टार्ट कर देंगे। वापस क्या होंगे बच्चे, इस कंटेनर के आना आना जो है स्टार्ट कर देंगे। सारे बच्चों को क्लियर हुआ क्या बोला, यहां से जब प्रेशर लगाऊंगा तो पानी जो है, पानी जो है, ठीक है, पानी क्या होगा बेटा, वापस से इस जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस कंटेनर में, डब्बा नंबर एक, डब्बा नंबर टू बोल देता हूं भैया, इस डब्बे में वापस जो है आना स्टार्ट करेगा और फिर से इसके जो है वाटर लेवल बढ़ जाएगी। क्लियर सारे बच्चों को, क्लियर सारे बच्चों को। अब बच्चों को यहां पे डाउट आ रहा होगा भैया कि यहां पे सर हमारे जो है, हमारे पास तो सी वाटर है जिसमें NaCl, जिसमें नमक और वाटर है, तो वाटर ही क्यों गया, वाटर ही क्यों गया। वो बच्चे मैंने बताया हुआ है, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ वाटर को ही क्या करता है, जाने देता है, सबको रोक देता है, सबको, बाकी सबको, विलेय को बच्चे रोक देगा, सिर्फ विलायक के अणुओं को ही जाने देता है। इसलिए क्या करेगा बच्चे, यहां पे सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स ही आएंगे, वाटर के जो कण है बच्चे वही आने वाले हैं। क्लियर सारे बच्चों को। और ये जो प्रोसेस होता है, ये ग्रीन वाला बच्चे, ठीक है, ये जो उल्टा जो प्रोसेस हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, रिवर्स, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूं तो आरओ बोलते हैं। अब बच्चे सारे रिलेट कर पा रहे होंगे, आरओ का नाम सुने हो ना भैया, आप लोगों ने आरओ का नाम सुने होंगे, ठीक है, तो वही आरओ यही होता है बच्चा, ठीक है। वो आरओ क्या करता है भैया, हमारा जो इम्प्योर वाटर रहता है उसको प्योर करता है। वो कौन से प्रोसेस से, इसी वाले प्रोसेस से, इसी वाले प्रोसेस से हमारा कैंट आरओ, जो हम नाम सुने हो ना, सुनते हो आरओ, आरओ फिल्टर्स ना, ये सारे इसी प्रोसेस से ही होके गुजरता है। क्लियर सारे बच्चों को, समझ पाए एकदम अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब के बारे में पढ़ लिया कि परासरण दाब क्या होता है। यहाँ पे बच्चे हम लोगों ने ये भी प्रोसेस पढ़ लिया कि जो है रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, मतलब भैया आरओ क्या होता है, क्या होता है आरओ, क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं। प्रतिलोम परासरण जिसे बोलते हैं, ठीक है, प्रतिलोम परासरण। सारे बच्चों क्लियर, दो चीजें यहाँ पे अपन खत्म कर चुके हैं। अब देखो बच्चे, ये तो अर्धपरगामी झिल्ली की बात हुई, सारी चीजें यहाँ पे बात कर लिए। अब इसके जो है कुछ प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया परासरण के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। ध्यान से देखा बच्चे, परासरण के तीन टाइप होते हैं, कभी कभी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, आपके जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एक आध बार बच्चे क्या है कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम्स के अंदर पूछेगा, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूं। ध्यान से सुनना बच्चे, ठीक है। परासरण के प्रकार के ऊपर मैं अगर बात करूं, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस की बात करूं, तो सबसे पहले बच्चे पहला जो टाइप होता है वो जो होता है बाह्य परासरण, मतलब बाहर निकलने की प्रक्रिया। और बाहर कौन निकलता है भैया, अर्धपारगम्य झिल्ली से बाहर कौन निकलता है, पानी। कौन निकलता है, पानी, जो विलायक होता है, ठीक है, वही क्या निकलेगा बाहर निकलेगा। तो ये तो सारे बच्चों को क्लियर है, ठीक है, पानी ही क्या निकलेगा बाहर निकलेगा, ठीक है भैया, एकदम क्लियर, एकदम मक्खन, ठीक है। अब बाह्य परासरण में क्या होगा, बाहर निकलेगी, क्या निकलेगी, पानी निकलेगी, उसी को हम लोग बाह्य परासरण बोलेंगे। हम जो इसको डेफिनेशन के फॉर्म में बता दो सर, बिल्कुल बच्चे ध्यान से देखना, परासरण के द्वारा, परासरण के द्वारा किसी कोशिका में से विलायक के जो अणु होते हैं, और विलायक के अर्धपरगामी झिल्ली में से बाहर निकलते हैं, उसी को हम लोग बाह्य परासरण बोलते हैं। लिख दो भाई, एकदम सिंपल, एकदम कंसेप्ट रिलेट करते जाना, मजा आता है, ठीक है। देखो अर्धपरगामी झिल्ली अपन को क्या बताता है कि विलायक के अणुओं को वो जाने देता है। अब बाह्य परासरण बोल रहा है, तो बाह्य परासरण में जो विलायक के जो कण होंगे, विलायक के जो कण होंगे वो अर्धपरगामी झिल्ली से बाहर जाएंगे, उसे हम लोग बाह्य परासरण बोलेंगे। क्लियर, जब अर्धपरगामी झिल्ली में से विलायक के जो कण होंगे, जो अणु होंगे, वो अंदर आएंगे, किसी भी कोशिका के अंदर आते हैं, तो उसको हम लोग अंतःपरासरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, अंतःपरासरण। तो एकदम रिलेट कर पाए, बाह्यपरासरण क्या होगा, अब अंतःपरासरण की बारी आती है। अर्धपरगामी झिल्ली में से, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से किसी कोशिका के अंदर की ओर गमन करने वाला जो होता है बेटा, उसी को अपन बोलेंगे, विलायक का प्रवाह जो होता है उसी को अपन बोल देंगे अंतःपरासरण। क्या बोलेंगे बच्चे, अंतःपरासरण, ठीक है, अंतःपरासरण। सारे बच्चों फील कर पाए, सारे बच्चों को बहुत मजा आया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चे आपके, ठीक है, कुछ कुछ एग्जाम्पल। हमारे जो बॉडी होती है ना, जो ये जो क्या बोलते हैं स्किन जो है, ये भी हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। कुछ कुछ चीजों को जाने देती है हमारे बॉडी के अंदर, कुछ कुछ चीजों को रोक देती है, जैसे धूल लक्कड़ जो होते हैं ना बेटा, उसको रोक देती है, तो हमारे क्या होंगे, झिल्ली की तरह ही काम कर रही है ना, उसको अंदर जाने नहीं देती, ठीक है। लेकिन हमारे जो सनलाइट होती है उसको जाने देती है, क्योंकि हमारी उसकी हमको जो हमारी बॉडी को उसकी जरूरत होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से बच्चे हमारा बॉडी भी क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। क्लियर सारे बच्चों को। अब तीसरे टाइप के ऊपर आते हैं, प्रतिलोम परासरण, ये जो है रिवर्स ऑस्मोसिस, इसी को हम लोग बोलते हैं आरओ बोलते हैं, जो कि मैंने अभी अभी बताया है कि क्या हो गया भैया, जब किसी भी विलयन पर उसके परासरण दाब से, किसी भी विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, अधिक दाब लगाया जाता है बेटा, तो लगाया जाता है, आरोपित किया जाता है, तो अर्धपरगामी झिल्ली में से विलायक के जो कण होते हैं, विलायक के जो अणु होते हैं, वो विलयन से जो है शुद्ध विलायक की ओर, किसकी ओर बच्चे, शुद्ध विलायक की ओर,
प्रवाह होने लगता है उसी को बोलेंगे बेटा प्रतिलोम परासरण। क्या बोल देंगे बच्चे? प्रतिलोम परासरण, जो कि मैंने अभी अभी यहां पे जो है, यहां पे कहां पे बच्चा देखो ध्यान से, हां यहां पे मैंने बताया ये ग्रीन कलर का जो है ना बेटा, इसी पे यहां मैंने सारे चीजों को यहां पे जो है एक्सप्लेन दे दिया, इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस को बोलेंगे बेटा प्रतिलोम परासरण, प्रतिलोम परासरण, प्रतिलोम परासरण। इस तरीके से बच्चे हम लोग पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे खत्म कर लिए। हाँ बच्चे, तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे बात किए ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, सारी चीजें यहाँ पे सीख चुके हैं। अब बच्चे उसके कैलकुलेशन की बारी आती है, जो परासरण दाब होता है ना बेटा, परासरण दाब को हम लोग जो है पाई से डोनेट करते हैं, सॉरी डिनोट करते हैं। क्या बच्चे? डोनेट नहीं भैया, क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। पाई से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करते हैं पाई से। ठीक है, पाई से प्रदर्शित करते हैं, मतलब मैं पी इज इक्वल टू पाई कर दूं, तो किसी भी बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारे बच्चों को क्लियर है। चलिए बच्चे अब स्टार्ट करते हैं हमारा कैलकुलेशन। ठीक है, देखो बच्चे गणना की बात करूं, अगर मैं गणना की बात करूं तो गणना में क्या बात करेंगे हम लोग भैया, ध्यान से देखना। ठीक है, अगर पीवी ठीक है, PV is equal to nRT, और ये जो इक्वेशन है बच्चे, ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है आप लोग जो है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा होगा। क्या बच्चे? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये जो है फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ, जो कि हमारा एन जो है नंबर ऑफ मोल्स को जो है बताता है, आर जो हमारे गैस कांस्टेंट और टी जो टेम्परेचर है, भैया सिंपल सी बात है। ठीक है, अब पी की अगर मैं बात करूं तो मेरे को क्या मिला? पी इज इक्वल टू पाई मिला। अगर यहां पे पी की वैल्यू बी की जगह में मैं पाई रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पाई इंटू वी इक्वल टू एन आर टी होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। अगर मेरे को पाई निकालना है ठीक है, अपन को तो ऑस्मोटिक जो है प्रेशर निकालना है, जिसको हम लोग पाई से डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब भैया मेरे को पाई निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा? सिंपल एन और वी को क्या कर दूंगा? शिफ्ट कर दूंगा इस साइड पे, तो एन बाई वी हो जाएगा। क्या होगा? एन बाई वी आर टी होगा। और मेरे को ये पता है, अपन ने मोल कंसेप्ट के अंदर पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, यही हमारा क्या, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ये हमारा क्या होता है सर? यही हमारा क्या है? मोलैरिटी होता है। क्या सर? मोलैरिटी, जिसे हम लोग मोलरता बोलते हैं ना बेटा, मोलरता बोलते हैं, यही हमारा जो फॉर्मूला होता है मोलरता का। और मोलरता को जो, सॉरी मोलरता को हम लोग सी से क्या करते हैं बेटा? प्रदर्शित करते हैं, मतलब सांद्रता से बच्चे प्रदर्शित करते हैं। सारे बच्चों को क्लियर है? सांद्रता सी से बोलने वाला। तो क्या मैं बच्चे यहां पे जो n by v लिखा है वहां पे मैं c लिख दूं? तो बिल्कुल सर, अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? CRT हो जाएगा, pi is equals to CRT। और इस फॉर्मूला को आपको जो है याद करके रखना है, और एग्जाम्स में जब आए बेटा परासरण दाब, तो इसको जो है बना के आना है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी, बहुत सुंदर वो है, क्या हमारा इक्वेशन है, तो इसको आप बच्चे याद करके रखिएगा और बना भी सकते हो एग्जाम्स के अंदर, बनानी भी है, बनाना ही है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है बच्चे, अगर मैं बता दूं कि पाई तो हमारा क्या बेटा, पाई हमारा परासरण दाब बताता है, क्या परासरण दाब बताता है। ठीक है, परासरण दाब बताता है। और बच्चे मेरा जो सी जो होता है, मेरा जो सी होता है वो कॉन्सेंट्रेशन बताता है, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सांद्रता को बताता है। आर बच्चे मेरा गैस कांस्टेंट है, गैस नियतांक है। और जो टी तो भैया टेम्परेचर है, टी तो हमारा टेम्परेचर है, बच्चों सारे बच्चों को पता है टी टेम्परेचर। तो इस तरीके से बच्चे हम लोग पूरा का पूरा जो परासरण दाब जो यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चे खत्म कर रहे हैं, तो बच्चे जिन बच्चों को ये सारे लेक्चर जो है समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तो बच्चे क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, बच्चे हमको जो है थोड़ा सा जो है इसके बारे में और आपको कुछ भी डाउट होगा तो वो डाउट जो है कमेंट सेक्शन में पिन कीजिएगा, पूछिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर जिन बच्चों को और सारे कंसेप्ट केमिस्ट्री के अंदर दिक्कत आ रही होगी तो बेटा साहब कमेंट सेक्शन में निष्पक्ष बच्चे पूछ सकते हो। सारे बच्चों को क्लियर है? इसी के साथ बच्चे हम लोग जो ये लेक्चर अभी खत्म कर रहे हैं, आने वाले लेक्चर के अंदर बच्चे हम लोग जो है हिमांग में अनवन कथनांग में उन्नयन, ये जो टॉपिक कवर कर रहे होंगे उसके साथ ही साथ बच्चे हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 पूरा ओवरऑल खत्म कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, धन्यवाद।